हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम काफी एक इंटरेस्टिंग गैजेट का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि हमें यहाँ पर एक TWS ब्लूटूथ सनग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं। लीकू की तरफ से हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि लेनोवो का ही एक सब ब्रांड है। इस वीडियो में आज हम इन स्पेशल सनग्लासेस का रिव्यू करने वाले हैं। इसके अंदर हमें ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, उसके थ्रू आप म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली तो कुछ इस तरह से हमें इन सनग्लासेस का बॉक्स देखने के लिए मिलता है। सामने इनके एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ सनग्लासेस। बैक साइड की हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह यहाँ लिखी हुई है। एंड अगर आप एप्लीकेशन वगैरह को डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ से आप स्कैन करके उसे कर सकते हो। तो फटाफट से हम बॉक्स को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो अगर मैं बॉक्स कॉन्टेंट की बात करूँ, सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरह से ये जो सनग्लासेस हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। एक प्लास्टिक के केस में यहाँ पर ये अवेलेबल हैं और कुछ इस तरह से हमें सनग्लासेस मिलते हैं। एक क्लीनिंग क्लोथ भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं साइड में रखता हूँ और दूसरी एक्सेसरीज को एक बार देख लेते हैं। इन सनग्लासेस को यूज करने के लिए यूजर मैनुअल हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो यहाँ पर चाइनीज में लिखी हुई है। एंड बैक साइड में आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो इसको पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। एंड एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस तरह से हमें जो ग्लासेस हैं देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो हमें यहाँ पर दो और शेड्स देखने के लिए मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो हमें यहाँ पर वेफेयरर शेप में फ्रेम जो है वो देखने के लिए मिलता है। पूरे प्लास्टिक बिल्ड के साथ हमें सनग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं। फ्रंट में जो आपको ग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं, डिटैचेबल हैं। इसमें आप अपने प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज भी इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड इसके अंदर आपको एंटी ब्लू लाइट वाले लेंसेज देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ब्लू लाइट रेडिएशन से आपकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में लीकू की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। अगर मैं इनके स्पीकर्स की बात करूं तो इधर और इधर आपको इसके जो दो स्पीकर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसके कंट्रोल सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको इसके जो बटन हैं वो सभी देखने के लिए मिलते हैं। टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के लिए ये बटन यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड प्ले पॉज के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। एक गूगल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन भी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू आप जो वॉल्यूम है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर हमें माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। 2 से 2.5 घंटे के अंदर ये जो सनग्लासेस हैं चार्ज हो जाते हैं, जिसके बाद इसमें लगभग 7 से 8 घंटे तक का इजिली म्यूजिक सुन सकते हो। और मुझे इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जितने भी मैंने दूसरे ब्लूटूथ वायरलेस सनग्लासेस देखे हैं उनके अंदर ये जो एजेस हैं आपको काफी ज्यादा मोटे देखने के लिए मिलते हैं, बट आपको यहाँ पर एक काफी एलिगेंट डिजाइन देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर जो इसके एजेस हैं वो भी काफी ज्यादा मोटे नहीं है। ब्लूटूथ की बात की जाए तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इन सनग्लासेस को कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ में, एंड उसके बाद किस तरह से हम इसे म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, इसका जो म्यूजिक है उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सभी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनको टर्न ऑन कर लेना। टर्न ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन देखने के लिए मिलेगा, इसे मुझे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अभी जो सनग्लासेस हैं पेयरिंग मोड में आ चुके हैं, तो यहाँ पर लीकू C8 जो है वो अवेलेबल डिवाइसेस में आ चुका है। जैसे मैं इसे यहाँ पर टैप करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक पेयरिंग कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट आएगी। जैसे मैं इसे पेयर पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये जो मेरे सनग्लासेस हैं मेरे स्मार्टफोन के साथ में पेयर हो चुके हैं। एंड इसके अंदर हमें SBC कोडेक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसमें आपको हाई क्वालिटी ऑडियो भी सुनने के लिए मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसका जो म्यूजिक वगैरह है उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे अगर इसमें वीडियो को प्ले या पॉज करना है तो यहाँ पर आप एक बटन देख सकते हो, इसे मुझे एक बार ऐसे प्रेस करना होगा तो जो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप जो सॉन्ग्स वगैरह उन्हें भी प्ले कर सकते हो। एक बार जैसे मैं इसे दोबारा टैप करूंगा तो वीडियो जो है पॉज हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से आप इसे दोबारा प्रेस करके वीडियो को प्ले या पॉज कर सकते हो। अब अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो मुझे उसमें काफी एक अच्छा यहाँ पर टच सेंसर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब देख सकते हो यहाँ पर टी बना हुआ है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो मेरी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती रहेगी धीरे धीरे। तो मैं आपको अगर स्मार्टफोन के अंदर दिखाऊं तो जैसे ही मैं इसको इधर टैप करता रहूंगा तो आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। एंड अब इसके स्पीकर में से जो ऑडियो है उसे भी सुन सकते हो। अगर मुझे इसके अंदर वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो मुझे इस टच सेंसर वाले बटन पे ऐसे प्रेस करके रखना होगा, जिससे जो वॉल्यूम आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। जैसे मैं इसे एक बार ऐसे प्रेस करूंगा दोबारा तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप काफी इजीली इसका जो टच कंट्रोल सिस्टम है उसे यूज कर सकते हो एंड काफी स्मूथली ये टच वर्क करता है। अगर मुझे इसके अंदर गूगल असिस्टेंट का यूज करना है तो मुझे इस मेन फंक्शनल बटन पर 2 बार ऐसे टैप करना होगा। जैसे मैं इसको 2 बार दबाऊंगा तो गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो स्मार्टफोन के अंदर गूगल असिस्टेंट का प्रॉम्प्ट जो है वो आ चुका है।
एंड इसी तरह से अगर आपको कोई फोन कॉल वगैरह आंसर करनी है तो ऐसे आप टच करके फोन कॉल को आंसर भी कर सकते हो। तो इस तरह से इसके जितने भी टच फंक्शनैलिटीज हैं वो सब वर्क करती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये सनग्लासेस क्या आपको लेने चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में जो आपको डील मिल रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड अगर आप कोई अच्छे सनग्लासेस लेने जाते हो तो भी आपको इस प्राइस तक ही अच्छे सनग्लासेस देखने के लिए मिलते हैं। स्क्रीन पर इस टाइम आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं एक बार माइक्रोफोन इसके पास लाके आपको इसका साउंड आउटपुट थोड़ा सा सुना देता हूँ। तो इस तरह से हमें इसका जो साउंड आउटपुट है वो देखने के लिए मिलता है। तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी सही लगी, कंपेयरिंग टू एन ओपन स्पीकर मुझे लगता है साउंड क्वालिटी इसकी काफी सही है। एंड जब आप इसे पहनते हो तो आपको इसमें बेस की वाइब्रेशंस हैं वो फील होती हैं, तो इसमें आपको ये भी फील नहीं होगा कि आपको बेस जो नहीं मिल रहा है। ड्यूरेबिलिटी में मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा ज्यादा और काम हो सकता था, थोड़ा सा क्लमजी लगता है, बट अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छी केयर के साथ यूज करते हो तो काफी अच्छी आपको ये परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मुझे लगता है काफी अच्छी डील बनाएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे बाय कर सकते हो, एंड स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड का यूज करके 20% ऑफ आप यहां पर अवेल कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए वीडियो में इतने, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सही फ्रेंड्स के साथ में, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।